मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 27 नवंबर 2021। ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न: ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर: सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास अर्थात मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगाड़ना चाहिए अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे बीमार नहीं पड़ सकते, सदा तंदुरुस्त वे हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। आज का गीत। शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सत्युग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है परंतु पॉइंट खिसक जाती हैं, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। जानवरों में जितना अक्ल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अक्ल नहीं। जानवर अर्थात गऊ घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं। तुमको भी भोजन मिलता है परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो, वे तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं वे विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गायों को घास आदि देते हैं, वे भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं,
फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है। उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वे पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी न हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम हैं, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त हैं, बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है पांच विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं, जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर वन आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है, रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, कितनी भारी प्राप्ति है। वे तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्होंने तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है, कहीं इतना समझते हैं। हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर वन मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वे सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहां ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा अर्थात शरीर सड़ गया है,
सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु ये कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाएं तब समझें। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजयमाला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वे नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी। ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है, जैसे पोलार का एंड नहीं वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़ें या पार जाएं। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में, उन्हों का पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वे कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा। मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है, लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत, रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरों का नहीं है, वह तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी न आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़े ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। तैयारियां हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है।
सारे भारत में तो क्या विलायत में भी सब तरफ चक्कर लगाना है, अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे, बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं, महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थीं। तुम जानते हो हम बाप से किस जन्मों की प्रलब्ध पाते हैं, बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं, यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं, तुम धक्के खा खाकर पतित बन पड़े हो, बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा, बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया, अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ, यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं है, बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वे फल भी अच्छा पाएंगे, ये कर्म क्षेत्र है, कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई हैं जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है, पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या, ही सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे, दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज हैं, अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाएं, बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े, बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है, तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे, विलायत तक अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मना भव होने के, वे भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है, उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है, बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण, आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना, अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति।
से छल के प्यारो बाबा, नैनो से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार, निर्मल निर्मल किरणे आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार, नैनो से छल के प्यारो बाबा, नैनो से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, फेवरेट शो में मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त बीके सज्जन करता हूँ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वेलकम। करते हैं मीठे से शुरुआत, रखते हैं पहला प्रश्न। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे क्या नहीं हो सकते? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बीमार, ऑप्शन सी विकारी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी भिकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समा सही जॉब शनि बीमार, तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न का तो तीर आपने बिल्कुल सही जगह मारा था और ए ऑप्शन देकर सही जवाब 10 पॉइंट से संपन्न हो गए आप, तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक है आप सभी को। आप सभी बधाई की पात्र आत्माएं, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले ली है, बारी आगे बढ़ने की, रखने की। दूसरा प्रश्न, कोई क्या भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग के द्वार तो खुलने हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी बाल्टी, ऑप्शन डी लोटा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन डी लोटा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, फिर एक बार मुबारक। दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब किया है कमाल, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हब कर लिया, जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं जास्ते सर्विस करते हैं वही कहाँ पे रोए जाते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रुद्रमाला, ऑप्शन बी विजयमाला, ऑप्शन सी विष्णु की माला, ऑप्शन डी ब्रह्मा की माला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त, सही जो ऑप्शन में विजयमाला। तो अगर आना चाहते हैं विजयमाला में तो बाबा कहते सागर को हब कर लो, ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाओ और जास्ती सर्विस करो तो विजयमाला में पिरोई जाओगे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ।
तीसरा प्रश्न पूरा हुआ, बारी है चौथी सीढ़ी पर पैर रखने की, कदम बढ़ाने की और आपके सामने पेश करने की। आज का चौथा प्रश्न, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कौन है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ज्ञान का सागर, ऑप्शन बी स्नेह का सागर, ऑप्शन सी कल्याणकारी, ऑप्शन डी पिता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन से कल्याणकारी, तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 40% खेल तो हो गया है पूरा, देखते ही देखते 40% खेल का सिलसिला खत्म हुआ और चार प्रश्नों में से आपने जरूर 3, 2, 4 पूरे 4 प्रश्न का भी हो सकता है दिया हो सही जवाब और 20, 30, 40 पॉइंट से जरूर संपन्न हो गया। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब बढ़ते आगे, रखते पांचवा प्रश्न। बाप कहते बच्चे, अभी तुम्हारा ये कपड़ा सड़ गया है, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? सत्युग त्रेता में कितना अच्छा क्या था? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए स्वभाव, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी वस्त्र। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने है, चार ऑप्शंस भी हैं और 15 सेकंड का वक्त भी आपका शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी वस्त्र। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बधाइयां बधाइयां और बधाइयां, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने किया है कमाल और फिर से एक बार बन चुके हैं आप 10 पॉइंट्स के हकदार और 50% खेल तो हो गया है पूरा। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बस यूं ही उमंग उत्साह बनाए रखिए, दृढ़ता की शक्ति को मेंटेन रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जहाँ लगन है वहाँ मगन अवस्था है और जहाँ मगन अवस्था है वहाँ दृढ़ता की शक्ति है और सफलता हुई पड़ी है। तो इसलिए इस निश्चय विश्वास को रखना है कि आज तो मुझे यहाँ से ताश लेकर ही जाना और मैं ही वो हूँ जो कल कल हर रोज ताश जीतता हूँ। तो चलिए अभी इसी उमंग उत्साह के साथ बढ़ते आगे, रखते छठवां प्रश्न आपके सामने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ क्या था थी? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी श्रेष्ठाचार्य, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन ए भारत। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बधाइयां बधाइयां और बधाइयां, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो अब बारी है रखने की आपके सामने सातवां प्रश्न। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है, लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है, इसको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी ईश्वरीय ड्रामा, ऑप्शन सी सीढ़ी, ऑप्शन डी ईश्वरीय कुदरत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त, सही जो ऑप्शन डी ईश्वरीय कुदरत। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, फिर से बधाइयां आप सभी को, दिल खुश मिठाइयां कि आपने सातवें प्रश्न का भी दिया है सही जवाब। और अगर 70 पॉइंट्स है आपके पास तो बहुत समीप आप पहुंचे, आप मंजिल के बस कुछ ही प्रश्नों की दूरी और फिर मास्टर मुरलीधर का ताज आपका। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते आठवां प्रश्न। प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, साइंस वाले मेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं, आगे क्या थोड़ी थी,
मिट्टी का दीपक जलाते थे, चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी पवित्रता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी बिजली। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं, मुबारके मुबारके और मुबारके, बधाइयां बधाइयां और बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बारी आगे बढ़ने की, नवा प्रश्न रखने की। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तैयारियां हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है, सारे भारत में तो क्या कहां में भी सब तरफ चक्र लगाना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन विलय, ऑप्शन में विश्व, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन है विलय। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, फिर एक बार बधाइयां बधाइयां और बधाइयां कि आपने दिया है सही जवाब, किया है कमाल और बन चुके हैं आप ताज के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आपके पास अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका। तो मुबारक जी मुबारक। चलिए अब मुबारक के लिए रखते हैं, इंतजार खत्म करते हुए अंतिम सवाल आपके सामने। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे, दिल में अर्थात है क्या, जो अब ऐसा पुरुषार्थ करे वह भी उच्च पद पाए। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बाबा आया है, ऑप्शन बी स्वर्ग आया कि आया, ऑप्शन सी नर गया कि गया, ऑप्शन डी बाकी थोड़े रोज है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन डी बाकी थोड़े रोज है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, फिर एक बार आप सभी को बधाइयां बधाइयां और बधाइयां, दिल की दुआएं मुबारकें और आपको बेहद की बधाइयां बधाइयां और बधाइयां। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल और बन चुके हैं ताज के हकदार। तो चलिए अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, विजयी रत्न भवा, और सिर पर सजा दिया है आपके ताज। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो आपको बेहद बधाइयां मुबारकें कि आपने कर दिखाया है कमाल, कुछ नया किया है फिर एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आप सभी ताज के हकदार आत्माओं को बधाइयां। और जो नहीं जीत पाए निराश ना हो, कल फिर हम आएंगे, आप भी आएंगे पुरुषार्थ करके और जरूर यहाँ से लेके जाएंगे सफलता का ताज। अच्छा हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, आप ख्याल रखेंगे अपना तो विश्व भी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश, ज्वाइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्टी
या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।